दशहरा परिवार का होने वाला है महामिलन, जहां बिछड़े हुए दल अब एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं और परिवार का महामिलन होने वाला है। मैं आपको बता दें कि आलिया ने एक बड़ी ही चाल चलती है, जिस चाल में एक साथ चार लोग नीचे गिर गए हैं। हम बात कर रहे हैं रिया, प्राची, अभी, प्रज्ञा। जी हाँ, ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, पर आलिया की एक चाल इन चारों के कनेक्शन को ब्रेक कर चुकी है। पर इस दशहरा आलिया का वार उसी के ऊपर भारी पड़ेगा, कह लीजिए बैकफायर होने वाला है, क्योंकि दशहरा के दिन प्रज्ञा पर जो हमला करवाई की आलिया, उसकी वजह से रिया और अभी दोनों का दल जो कि अभी हार्ड हो चुका है वो वीक हो जाएगा, हार्ट मेल्ट हो जाएगा और वो प्रज्ञा के लिए कंसर्न दिखाने लग जाएंगे। और इसी से आलिया को पता चल जाएगा कि भले ही ये जुबान से एक दूसरे से अच्छी तरह से बातें ना करते हों, एक दूसरे के खिलाफ जहर उबलते हों, लेकिन जब भी टफ सिचुएशन आती है या फिर एक दूसरे की जिंदगी पर खतरा मंडराता है तो इन सब का प्यार सामने आ ही जाता है, जिससे अविद्या का हो जाएगा महामिलन, तो वहीं रिया प्राची की गलतफहमियां खत्म हो जाएगी। मैं आगे की अपडेट आप तक पहुँचा रही हूँ अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। We'll be right back.